हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रेडिक्ट करने वाले हैं कल के एक्सपायरी में बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है। ठीक है, बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा चैलेंज पैटर्न में था। ठीक है, अब ये चैलेंज पैटर्न देख सकते हैं। ठीक है, ये एक पैटर्न में था। ठीक है, ऐसे 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 और ये तो ये कल जो चांसेस आर वेरी हाई कि ये हुआ 1 नंबर पॉइंट, ये 2 नंबर पॉइंट, ये 3 4 5 6, ये 7 नंबर पे ब्रेक करेगा या फिर इसको क्रॉस करके ओवर जाएगा, पर ये अच्छा खासा सपोर्ट जोन पे है। ठीक है, और मेरे हिसाब से ये यहाँ पे एक सपोर्ट लेके ये कल तो मार्केट थोड़ा, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी थोड़ा यहाँ पे दिखाएगा, ऐसे 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 होगा, देन ये ऊपर तक यहाँ पे आएगा, बिकॉज उसके यहाँ पे आना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जब तक ये चैलेंज ब्रेक होता है, अगर ये कल चैलेंज ब्रेक हुआ, ठीक है, हमको डायरेक्ट शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है, आप थोड़ा यहाँ पे रिट्रेस होने में दीजिए, लास्ट केस इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब मिल जाएगा ऑप्शन, देन यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा मिल सकता है, और स्टॉप लॉस मैक्सिमम यहाँ करेगा। तो अगर कर हम लोगों को यहाँ पे मिले तो यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्ट मत कीजिएगा, यहाँ पे शॉर्ट कीजिएगा। ठीक है, शॉर्ट किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा और टारगेट ये लेवल कर रखा है, तो 2:1 मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये अच्छा खासा लेवल हो गया। ठीक है, और अगर इसको ब्रेक करता तो, अगर ये यहाँ पे सपोर्ट बनता है कम से कम यहाँ पे स्टे करता, तो यहाँ पे बाइंग करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे। ठीक है, अगर मार्केट का सिचुएशन कल अच्छा होता है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे यहाँ का, इस लेवल का, और टारगेट ये लेवल का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 2:3 या फिर 2:6 तक आपको मिल सकता है। ठीक है, सो कल हम लोग डिपेंड करेंगे, अगर ये अच्छा खासा ब्रेक गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा रिट्रेसमेंट करेंगे, देन हम लोग शॉर्ट मारेंगे। अगर थोड़ी यहाँ पे स्टेबल और फ्लैट खुलता है तो यहाँ पे एक बार आएगा, तो यहाँ से बाइंग कीजिएगा, तो ये चैनल के अंदर रहने की कोशिश करेगा। और याद रखिएगा, 7 7 टाइम में वो चैनल ऑलवेज ब्रेक होता है। ठीक है, यही है बैंक निफ्टी कल के एनालिसिस, कोई ज़्यादा माथा पीछी नहीं है, उतना सिंपली ट्रेड है, फोकस करना। ठीक है, सपोर्ट रजिस्टर मैंने दिखा दिया, सपोर्ट है आपका नियर अबाउट 4462 से लेके 4469, और ये आपका रेजिस्टेंट है 45,150। ठीक है, सो बेझिझक होकर एकदम बिंदास ट्रेड कीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हार जीत तो लिखा ही रहता है, बट सीखना सबसे मेन वाला चीज़ है। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंट बनाना सीख गए तो मार्केट में किसी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको मेरे वीडियो लाइक नहीं करना होगा कल, अगर आपको लगे कि यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंट काम किया, देन कल आके मेरा वीडियो लाइक कर देना, या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको नहीं बोलूँगा सब्सक्राइब करने के लिए, मैं आपको सीखने के लिए बोल रहा हूँ। और जब तक आप सीखेगा नहीं, तो दूसरे के वीडियो देखते रहिएगा और दूसरे से यही मांगते रहिएगा कि मुझे सिखाइए, या फिर उससे सपोर्ट रजिस्टर के लिए ऑलवेज भीख मांगते रहिएगा, कब वो देगा तो अब मैं ट्रेड करूँगा। सो खुद से सीखने की कोशिश करो। आपको याद है स्कूल लाइफ में क्या होता था, कि हम लोग भी एक डिपेंडेंट हो गया, इसका पेपर देके हम लोग लिखेंगे, तो वो उसे कभी मत करना यार, कभी मत वैसा करना। जितना आता है खुद से करो, सीखोगे या फिर निकलोगे। इतना भी आप बुरे नहीं हो, आपका भी दिमाग उतना ही है, उसका भी दिमाग उतना ही है। ठीक है, सो ट्राई करो सीखने का, सपोर्ट रजिस्टर बनाना सीख गया, बस आपने 99% बैटल जीत लिया। अब मेन होता है साइकोलॉजी 1% का। ठीक है, सपोर्ट रजिस्टर मेन चीज़ है। अगर कल ये सपोर्ट रजिस्टर काम करे तो परसों आके मुझे ये लाइक मार देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू एंजॉय। ये एक स्टडी पर्पज वीडियो है, एंड कल बैंक निफ्टी, होप सो आप सब के लिए अच्छा जाए। थैंक यू।